हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देख लेते हैं। दोस्तों 29 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो या हेपेटाइटिस ए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो BCG के टीके हैं वो ट्यूबरक्यूलोसिस के रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन समर्थ सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या लोक स्वास्थ्य। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य। दोस्तों समर्थ सूची का विषय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या बहादुर शाह जफर ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, लॉन टेनिस से, गोल्फ से या बैडमिंटन से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है मर्सिडीज कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? समय, वेग, दूरी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी का। क्या है दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? दोस्तों यूनिट है दूरी की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? जल स्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन या रसारोहण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे दोस्तों रसारोहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? मीटर, ऑप्टर, बॉट या डायोप्टर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयकर कौन लगाता है? राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार या राज्य और केंद्र सरकार दोनों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार दोस्तों आयकर लगाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 102.7 करोड़, 103.7 करोड़, 104.6 या 107.2 करोड़। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 102.7 करोड़ थी। दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 102.7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या गोकक नदी पर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? क्षोभमंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी? दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन के जरिए। दोस्तों वो है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद गोरी या बहलोल लोदी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कावेरी या कृष्णा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 42 क्या है, बढ़ती मुद्रा स्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? करों में कमी का, मजदूरी में वृद्धि का, मुद्रा आपूर्ति में कमी का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजदूरी में वृद्धि का दोस्तों उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920, 1922 या 1923 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 के मुख्य अभियुक्त कौन थे? पुलिन दास, अरविंद घोष, जतिन मुखर्जी या भगत सिंह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतिन मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल, स्नूकर, तैराकी या नौकायन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से संबंधित होता है बटरफ्लाई शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है,
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 15 मार्च को, 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल को? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में या कनाडा में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में स्थित है वाटरलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल का? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है दुशासन से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा से या स्थायी बंदोबस्त से? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी बंदोबस्त से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 51 में पूछा गया है 1854 का बुड डिस्पैच समव्यभिव्रत करता है प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को या शैक्षिक सुधारों को? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक सुधारों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगीजों द्वारा या फ्रेंच द्वारा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगीजों द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यानी भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगीजों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका क्या कारण है? प्लासी युद्ध है या भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? और दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, जो बाकी के ऑप्शन है वो है अंग्रेज बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई थी, और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। दोस्तों यही कारण था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। दोस्तों क्या है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 की महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कारण क्या है, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 के पाकिस्तान युद्ध के बाद या 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 के सूखे के बाद भारत में योजना अवकाश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और प्रधानमंत्री को? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया समिति और सिंधवी समिति? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन है, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय, औसत प्रति व्यक्ति आय, आयात या निर्यात? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत प्रति व्यक्ति आय इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक खान सरखेल या सिपह सलार? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, कायांतरित चट्टान में या इनमें से किसी में भी नहीं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कोयला होता है वो कायांतरित चट्टान में पाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।